मैं विनीता गुप्ता, राज के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर, ब्यूटी कल्चर से टीटीसी एलआरडीसी के ऑनलाइन प्रोग्राम में आज आपको डायटेटिक्स के बारे में बताऊंगी। डायटेटिक्स जैसे का अर्थ है पथ्या पथ्य। हम भारी सुंदरता तो हम कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक प्रसाधनों से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारी आंतरिक सुंदरता अर्थात हमारे स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम पथ्या पथ्य के अध्ययन से हमें यह पता चलता है। इसकी परिभाषा यह है, एक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी है कि डीएफ टर्नर के अनुसार पथ्यापथ्य का अर्थ पोषण विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उनके आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खिलाने की कला और विज्ञान का मिश्रण होता है। विभिन्न व्यक्तियों के आर्थिक स्तर का अर्थ है कि समाज में तीन आर्थिक स्तर बताए गए हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उनके आर्थिक स्तर के हिसाब से किस प्रकार से उनको परिवार के सदस्यों को संतुलित भोजन दिया जा सके तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों को के अंतर्गत आता है कि परिवार में स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति परिवार में होते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों के अंतर्गत मान लो परिवार में किसी सदस्य को मधुमेह है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को पेट संबंधी बीमारियाँ हैं, किसी को बुखार है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तथा उनके आयु, लिंग, शारीरिक परिश्रम को भी ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आहार का आयोजन ग्रहण कर सकती है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखकर भोजन का चुनाव, संग्रह, तैयारी तथा परोसने का कार्य भी आते हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का अर्थ है कि परिवार में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन या शाकाहारी या मांसाहारी किस प्रकार का भोजन परिवार के सदस्य सामाजिक समाज में किस प्रकार का भोजन वो खाते हैं। आर्थिक स्थिति में तीनों स्तर आ जाएंगे, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आता है कि एक गृहिणी अपने परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद को देखते हुए किस प्रकार से आहार का आयोजन करती है, वो इसके अंतर्गत आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भोजन का चुनाव करना कि इन सब कारकों को उपरोक्त कार्यों को ध्यान में रखकर भोजन का चुनाव करना, उनका संग्रह करना। संग्रह से इसका अर्थ है कि जिस मौसम में जो चीज़ें सस्ती आती है उन चीज़ों को हमारे रसोई में एकत्रित करना, जैसे कि अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम जेली बनाना, टमाटर का सॉस बना कर रखना, चिप्स बनाना, सीजन में अनाज और मसाले प्रिजर्व करके या संरक्षित करके रखना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तैयारी का अर्थ है तैयारी में जैसे जब हम भोजन पाक बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को अंकुरित करके बनाने की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों को भिगोकर जैसे राजमा, छोले, चना, इनको भिगोकर 5-6 घंटे पहले भिगोकर बनाने की आवश्यकता होती है, और कुछ चीज़ें होती है जिनमें खमीर उठाकर बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी के अंतर्गत माना जाता है। और परोसने का कार्य आदि आते, परोसने का अर्थ है कि खाना कितना भी अच्छा बना हुआ हो, यदि जिस स्थान पर उस खाने को खिलाया जा रहा है अर्थात जहाँ जिस टेबल पर है वो टेबल साफ सुथरी होनी चाहिए, परोसने वाले के हाथ साफ सुथरे होने चाहिए और परोसे जाने वाले जो बर्तन हैं वो भी साफ सुथरे और डिफरेंट शेप्स के और साइज के होते हैं, तो वो खाना और भी अच्छा आकर्षित हो जाता है और एकदम उस खाने के प्रति एकदम रुचि जागृत हो जाती है। तो ये सब इसके अंतर्गत पथ्यापथ्य के अंतर्गत ही इसके अध्ययन के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार आहार एक गृहिणी को आहार आयोजन करना चाहिए। अब डायटेटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उचित पोषण प्राप्त करना। पोषण क्या है? पोषण जो है हम जो भी भोजन करते हैं उसके पाचन, अवशोषण और पाचन, अवशोषण और संग्रह जिन रासायनिक, सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो कार्य होता है उसको हम पोषण कहते हैं। ये पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है और भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मुख्य पोषक तत्व हैं। 6 प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें है प्रोटीन, कार्बोस, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये पोषक तत्व जो होते हैं ये इनका हमारे शरीर में एक निश्चित अनुपात या परिमाण होना चाहिए। कम होने पर भी ये शरीर में दुष्परिणाम, कम होने इनका स्तर हमारे शरीर में कम होने पर भी
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अधिक होने पर भी हमारे स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी तक प्रकृति में एक कोई भी ऐसा भोज्य तत्व नहीं है जिसमें कि ये सभी पोषक तत्व मिल जाए, इसलिए हमें अपने आहार में अलग अलग भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि हमें ये छह पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ये पोषक तत्व हमें भोजन के द्वारा इसका स्रोत इन पोषक तत्वों का स्रोत है भोजन। ये पोषक तत्व हमें भोजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब ये हम कहेंगे कि भोजन हम किसे कहेंगे। भोजन प्रकृति या प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ होते हैं। प्रकृति के द्वारा अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मेवा, ये सब प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। और अप्राकृतिक रूप से मांस, मछली, अंडा आदि इसके अंतर्गत भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब भोजन में होता है क्यों, जो कि हमें ऊर्जा देता है, हमारी शुद्धा पूर्ति के लिए आवश्यक है, हमारे निर्माणात्मक तत्व शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है और नियंत्रणात्मक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन आवश्यक होता है। इसलिए हम ये जैसा कि कई बार हम देखते हैं कि अजब गजब में कई लोग कीले खा लेते हैं, चौक खा लेते हैं, कांच के टुकड़े खा लेते हैं, लोहे के टुकड़े, तो हम इन सब पदार्थों को हम भोजन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब पदार्थ होते हैं ये हमें न तो ऊर्जा देते हैं न ही हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। इसलिए भोजन के अंतर्गत वे चीज़ें आएंगी या वे तत्व आएंगे जो कि हमें ऊर्जा देने के काम आते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षात्मक और नियंत्रात्मक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अब आते हैं कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों के वर्गीकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला तो कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक का अर्थ है कि जिसमें कार्बन का अणु पाया जाता है, तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन और विटामिन ये कार्बनिक यौगिक हैं क्योंकि इनमें कार्बन का अणु पाया जाता है। और दूसरा अकार्बनिक खनिज लवण और जल को अकार्बनिक माना गया है क्योंकि इन दोनों में कार्बन का अणु नहीं पाया जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल के अंतर्गत आएगा ऐसे पोषक तत्व जिनकी कि हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत प्रोटीन, वसा और कार्बोज आते हैं क्योंकि इनके हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। जैसे प्रोटीन है, जो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देता है और 1 ग्राम कार्बोज ये कि 4 कैलोरी देता है। सूक्ष्म में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें खनिज लवण और विटामिन आते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए इनकी जो आवश्यकता होती है माइक्रोग्राम्स में होती है, परंतु फिर भी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रात्मक क्रियाओं को करने के लिए इनकी बहुत अति आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। जल को इससे अलग रखा गया है। अब ये आएंगे कि पोषक तत्वों के या भोजन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को मेन जो शरीर की मेन आवश्यकता है वो ऊर्जा है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन यहाँ तक कि अगर हम श्वास भी लेते हैं तो श्वास लेने में भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कार्बोज, वसा और प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। ये हमारी मेन आवश्यकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको कैलोरी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है निर्माणात्मक कार्य। प्रोटीन, लवण और जल जो है ये निर्माणात्मक कार्य करते हैं। जैसा कि हमारी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, वो प्रोटीन निर्मित होती है। शरीर में मूत्र और पित्त को छोड़कर सभी चीज़ें जो है उसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। रक्त, बाल, त्वचा, नाखून, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सभी में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इसी प्रकार खनिज लवण, कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। जल में लोहे की मात्रा पाई जाती है और रक्त में लोहे की मात्रा पाई जाती है। और जो जल है ये हमारे शरीर के जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसमें सब में जल की उपस्थिति होती है। तीसरा पॉइंट है सुरक्षात्मक एवं नियंत्रात्मक कार्य। इसके अंतर्गत प्रोटीन, लवण, जल और विटामिन आते हैं। प्रोटीन सुरक्षात्मक कार्य करता है क्योंकि एंटीबॉडीज का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। खनिज लवण जो है ये अम्ल लवण, विटामिन ये अम्ल एवं क्षार के संतुलन को बनाए रखते हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों और जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और इसी प्रकार से जो जल है वे हमारे शरीर के जो
वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इस नालिका के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये तत्व क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य है वृद्धि करना, ऊर्जा देने इसका गौण कार्य है, और रक्षा करना भी इसका गौण कार्य है। वसा, वसा का वृद्धि करना भी इसका मुख्य कार्य, ऊर्जा देना है क्योंकि 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देती है, और रक्षा करना नहीं है। इसी प्रकार से कार्बोज, कार्बोज का भी मुख्य कार्य ऊर्जा देना है क्योंकि ये ऊर्जा का सबसे सरल और सस्ता साधन है, रक्षा नहीं की करता है। खनिज लवण है, इसका मुख्य कार्य वृद्धि करना है क्योंकि जो कैल्शियम फास्फोरस है ये हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है, और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा देते हैं खनिज लवण, और रक्षा करना इनका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन का भी वृद्धि और ऊर्जा इनका गौण कार्य है, और मुख्य कार्य विटामिन का रक्षा करना इनका मुख्य कार्य। इसी प्रकार जो जल है ये वृद्धि भी नहीं करता है, और ऊर्जा क्योंकि जल का जो पोषक मूल्य है वो 0 होता है, जल हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, और रक्षा करना जल का सबसे मुख्य कार्य।